को प्रणाम करते हैं। ये थोड़ा सा सेट कर दीजिए अच्छे से। देखिए चार चार पंक्तियां आपके बीच पढ़ूंगी और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि कोई पंक्ति कोई गीत गजल आपके दिल तक पहुँचे आपके दिल को छुए तो आप तालियों के माध्यम से मुझे बताते रहिएगा और यदि ना भी पहुँचे तो भी जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, पहले सबसे पहले निवेदन की चार पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहूंगी, खासकर मंच का भी ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, सुना आप लोगों ने बहुत मन से सुना। चार पंक्तियां आपके मोहब्बतों के नाम करती हूँ, सुनिए। दिल दुखाने से डर रही हूँ मैं, दिल दुखाने से डर रही हूँ मैं, दिल दुखाने से डर रही हूँ मैं, लफ्ज कड़वे कतर रही हूँ मैं, लफ्ज कड़वे कतर रही हूँ मैं, इश्क जब से हुआ करना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुना। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ और मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूँ यदि पंक्तियां आपके वास्तव में दिल तक पहुँच रही हैं तो जिस तरीके की तालियां मुझे दे रहे हैं थोड़ा सा मेरा हौसला और बढ़ाएं, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ उपस्थित रहते हैं उनके लिए ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, अपने कोर्स की बातें अच्छी समझते हो। चलिए मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आपने गड़बड़ कर दी मोनिका जी, आपने सिर्फ नौजवानों को संबोधित किया, इसमें इन बुजुर्गों का क्या कसूर है? ऐसा नहीं है आदरणीय, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं तो उनके लिए कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, अगर उनके लिए तो खुली छूट है आप सभी जानते हैं। और मैं उनके लिए भी पंक्तियां पढ़ूंगी लेकिन मैं उससे पहले अपने नौजवान दोस्तों से थोड़ा सा रूबरू होना चाहती हूँ, चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और उनका समर्थन चाहती हूँ, यदि बात दिल तक पहुँचे तो उनका भरपूर समर्थन चाहिए मुझे, सुनिए। दिल दुखा होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, आँखों से पिलाई शराबी बना गया, होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, आँखों से पिलाई के शराबी बना गया, है उससे मोहब्बत संभाले न पड़ लिया, है उससे मोहब्बत संभाले न पड़ लिया, जालिम मेरे चेहरे को किताबी किताबी बना गया। और ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए।
एक लड़के से मिली नजर तो प्यार हो गया जी जी। वैसे आप मोहन मुंतजर को काफी देर से सुना और सराहा काफी उनके लिए, तालियां भी बजाई और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ कोई मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ करो ना करो मोहब्बत जरूर करना। पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। एक लड़के से मिली नजर तो प्यार हो गया, ना करना चाह फिर भी इजहार हो गया, ना करना चाह फिर भी इजहार हो गया, अब लोग उसके नाम से लगे पुकारने, अब लोग उसके नाम से लगे पुकारने, जीना मेरा जमाने में दुश्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय, मैं देख रही हूँ काफी देर से काफी चाचाओं ने बहुत चश्मे को पहुंच पहुंच के दोबारा दोबारा लगा लिया। मैं पढ़ना चाहती हूँ पंक्तियाँ और कहना चाहती हूँ, दोष उनका नहीं है, मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगी आप समझ जाएंगे, सुनिएगा। कहते दिल में ये जान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, एहसास कराना कि आप बूढ़े हो चुके हैं, ये इंतहाई सख्त जुर्म है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नौजवानों में बड़ा जोश होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और बुजुर्गों को सब पता होता है कि करना क्या है, लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें उनकी कोई सत्ता नहीं है, ये उम्र का मामला है, इसलिए बार बार ये सब न करके जोरदार तालियों से मोनिका बहन जी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत अच्छा आपको कलाम सुना रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है, आप भी पूरी तरह से लुत्फ ले रहे हैं मुशायरे का। सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई, सारे लोग मिलकर एक बार जरा सा इनको इस्तकबाल करें ताकि इनका मूड बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा समर्थन किया। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफी मुशायरे पढ़ने जाती हूँ, लेकिन जिस संख्या में आज मुझे मातृशक्ति देखने को मिली, बहुत हौसला बढ़ा, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अच्छा लगा देखकर कि ऐसे मुशायरे मतलब बिहार में इस तरीके से सुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और सीधा सीधा एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, एक गीत की भूमिका में पढ़ना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे, वरना जाने कहां तक फिसल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाथ दुनिया के आगे न थामा करो, हाथ दुनिया के आगे न थामा करो, देख कर दुनिया वाले ये जल जाएंगे, प्यार तेरा संभल जाएंगे। और ये मक्ता पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं मक्ता, जिसमें शायरा या शायर का
नाम आता है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं गजल का समापन जिस शेर से होता है हम उसे मक्ता कहते हैं। मैंने इस शेर से ही इसका समापन क्यों किया मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। अब गजल बसे यही रोक दे मोनिका, अब गजल बसे यही रोक दे मोनिका, वरना सबके यहाँ दिल मचल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे। गजल खत्म, तालियां बजाएंगे। और बालकनी वालों से भी कहना चाहूंगी कि सारी जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है, आप लोग भी कुछ हाथ हिला लीजिए। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ और सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, देखिए भरपूर समर्थन चाहूंगी वरना पूरी रात मुझे ही सुनते रहोगे। फुर्सत हो सितारों की, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ। तुम जान देखना है तो रात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल गुजार दिया तनहा, सोलह ससरा अठारह तीन साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तनहा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तनहा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ। तुम चांद देखना भी पढ़ना चाहती हूँ, एक सच्चा बन आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिए। लैला मजनू शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। लैला मजनू शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए, फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। तुम जान देखना है तो रात में आ जाओ। और ये आखिरी बल पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन चाहूंगी, सुनिए। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर